आइए सो so, सबको मेरा वॉइस क्लियर है एकदम ठीक है ओके सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे उस टॉपिक का नाम है जनरेटिंग फंक्शंस, ठीक है हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया रैंडम वेरिएबल्स किया बेसिक प्रोबेबिलिटी किया ठीक है बेसिक वर्कशीट आप करो उसमें जो डाउट्स आएगा वो मैं करा दूंगा ठीक है हेडिंग लगाइएगा जनरेटिंग फंक्शंस सुनो आ, तुम लोग में से कोई भी एसेट दे रहा है क्या एक जन दे रहा है ना बस खाली ठीक है तो जेनरेटिंग फंक्शंस हम लोग आज करेंगे एक मिनट रुकना, ठीक है जेनरेटिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है आपको ऐसा फील होगा कि कोई चीज जेनरेट हो रहा है जैसे सबसे पहले जो हम लोग करेंगे हेडिंग लगाना मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शंस ठीक है तो इससे बेसिकली क्या होगा मोमेंट्स जेनरेट होंगे मोमेंट्स जेनरेट होंगे ठीक है तो हेडिंग लगाइएगा इसका इसका जो नोटेशन होता है वो होता है एम एक्स टी टी इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू दावर टी एक्स तो दिस इज समेशन ऑफ ई टू दावर टी एक्स टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स ठीक है अब अगर डिस्क्रीट में है तो समेशन होगा और यही अगर कंटिन्यूस में होगा तो क्या हो जाएगा समझा एक्सपेक्टेशन किस चीज का निकाल रहे हैं e तो पावर का निकाल रहे हैं तो समिंग ओवर दी रेंज ऑफ x एक्सु पावर टी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल एक्स तो यहां पर लिख देना ये वाला जो है और ये वाला जो है ये वाला जो है ये है अपना डिस्क्रीट का और ये वाला जो है ये है अपना कंटिन्यूस का है ठीक है कॉपी कर लीजिए इसको पहले इसके बाद में अब जैसे मान लो अगर अपने को निकालना है एमएक्स जीरो तो वो क्या होता है बताओ एम एक्स जीरो अगर अपने को निकालना है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू दावर जीरो एक्स एनीथिंग टू दावर जीरो इज वॉट वन ठीक है तो बेसिकली अभी एक काम करो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स है ना टेबल बुक का पेज नंबर टू में देखो ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन दिया का जो होता है, वो होता है वन प्लस टीएक्स प्लस टीएक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल इस तरीके से होता है प्लस टीएक्स क्यूब बाय

आपको अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा को एफिशियंट देखना पड़ेगा टी का कॉपी कर रहा यहां से कुछ भी कॉपी नहीं किया सब करो कॉपी करो संग संग कॉपी करते करते चलेंगे बहुत इजी टॉपिक है ये बेसिक वर्कशीट अगर बना लेगा ना तब एकदम इजी लगेगा जल्दी आओ रिकॉर्डेड क्लास फ्रॉम संडे मतलब राकेश सिंह माइक ऑन करके पूछो क्या मतलब हुआ इस लाइन का करा देंगे ठीक है कॉपी करिए इसको तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का टॉपिक चल रहा है एम एक्स टी नोटेशन है एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू दावर टी एक्स तो अगर डिस्क्रीट में देखेंगे तो सम करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू दावर टी एक्स इज वॉट ई टू दी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स एंड अगर कंटिन्यूअस होगा तो अपने क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे ओवर द रेंज ऑफ एक्स

तो so, t बाहर इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x तो so, अगर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ x चाहिए तो आप क्या देखोगे कोएफिशिएंट ऑफ t अगर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ चाहिए तो अब क्या देखोगे कोएफिशिएंट ऑफ बाय 2 फैक्टोरियल अगर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब चाहिए तो अब क्या देखोगे कोएफिशिएंट ऑफ बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू हां कॉपी करिए इसको तो एक्सपेक्टेशन ऑफ अगर मान लो एक्स स्क्वायर चाहिए तो को एफिशियंट किसका देखेंगे टी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब अगर चाहिए सो को एफिशियंट देखेंगे अपने टी क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल का इज इट क्लियर रिकॉर्डेड लेक्चर में देखना सारा इंस्टीट्यूट का मैट का सम्स कराया पूरा करेगा एकदम अच्छे से ठीक है कॉपी करिए पहले यहां तक ठीक है ना तो अगर मेरे को एक्सपेक्टेशन ऑफ क्यूब चाहिए तो मैं क्या देखूंगा है थी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं अरे ये पेज तो खत्म हो गया अपने को दिया हुआ है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स थ्री बाय फोर टू दावर एक्स एक्स है अपना वन टू थ्री डॉट 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 सो एम एक्स टी जो आएगा वो क्या आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू दावर टी एक्स दिस इज समेशन एक्स रन फ्रॉम वन टू इंफिनिटी

है कि नहीं तो एन माइनस आर वॉट इज द कॉमन रेशियो ई टू दावर टी बाय फोर थ्री बाय फोर टू दावर एक्स है ना सॉल्व करिए इसको सिंप्लीफाई करिए इसको सर डिनोमिनेटर में थ्री बाय फोर नहीं आएगा आप खुद सोचो एक बार थ्री बाय फोर क्यों नहीं आ रहा है उसकी बेटा? ऊपर करना है कि नीचे ऊपर ये वाला तो थ्री बाय फोर टू तो दर एक्स था एम एक्स टी मतलब क्या होता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इसका फॉर्मूला क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू टी एक्स ठीक है

माइनस ई टू the पार्ट टी इसका मतलब है e to the power t जो 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 e जो होगा 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 बनाना इसको इंफाइनाट so e जीपी uh, का जो फॉर्मूला होता है ना वो आपका जो r जो है जो कॉमन रेशियो है कॉमन रेशियो है यहां पर e to the power t by 4 टवीन माइनस वन एंड वन कॉमन रेशियो जो होता है वो माइनस वन और वन के बीच में होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है ई टू दार्ट टी शुड लाई बिटवीन वॉट माइनस फोर एंड फोर ऐसे भी लिख सकते हैं t शुड बी लेस देन एल एन फोर क्योंकि नेगेटिव वाला तो वैल्यूएशन नहीं होगा ना अगर नेगेटिव है तब तो नहीं होगा फोर ना? समझ में आएगा क्वेश्चन हाँ? कॉपी हो गया बोलो एफ एक्स दिया है हाफ वन माइनस एक्स माइनस वन से वन के बीच में लाई कर रहा है एक्स एम एक्स टी इज वॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू दी पावर टी एक्स तो दिस इज वॉट इंटीग्रेशन माइनस वन से वन टू दावर टी एक्स इंटू into half माइनस x डी एक्स है ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हाफ माइनस वन से वन to the power टी एक्स डीएक्स minus half माइनस वन से वन e to the power टी एक्स डीएक्स सॉल्व करिए इसको सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है मैं टाइम दे रहा हूँ करिए इसको सॉल्व करिए सब लोग करेगा देखो तो यही आ रहा है क्या माइनस वन बाय टी ई टू पावर माइनस टी प्लस वन बाय टू टी स्क्वायर ई टू पावर टी माइनस वन बाय टू टी स्क्वायर ई टू पावर माइनस टी चेक करके बताइए यही आ रहा है क्या इंटीग्रेशन बायपास लगाना पड़ेगा इस वाले पार्ट में पता है ना बायपास कैसे लगता है कैसे लगता है बाय से तुम बताओ u इंटीग्रेशन v dx एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी यू ऑफ यू ठीक है तुमको आता है ठीक है हाँ ठीक है चलो इसको सॉल्व करो मैं पांच मिनट का टाइम दे रहा हूं हर क्लास रिकॉर्ड होके प्लेयर पे डल जाएगा डोंट वरी ठीक है एंड लाइव ऑनलाइन क्लास जो साढ़े नौ बजे वाले वो भी चालू हो जाएंगे अब ठीक है अब लिखो कैलकुलेटिंग मीन एंड वेरियंस कैलकुलेटिंग मीन एंड वेरियंस यूजिंग डिफ्रेंसिएशन अप्रोच ठीक है तो so, एक चीज ध्यान देना e टू दी एक्स है ना इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हम लोग डिफ्रेंशिएट एक्सन को हम लोग क्या कर रहे हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा x e टू दी एक्स दोबारा करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर ई टू दी एक्स क्लियर है हा

E to the power t x अपने क्या कर रहे हैं m dash x t निकाल रहे हैं Which is इज expectation एक्सपेक्टेशन ऑफ e to the power t x फिर अपने निकाल रहे हैं m x power zero इज what one so सो एक बार differentiate करके zero पुट करने से क्या मिलेगा मीन एक्सीलेंट फिर दोबारा से m double dash x t इज what Expectation of x square e to the power tx. M double dash x zero is what? Expectation of x square. Now if you want to calculate variance of x, so that is nothing but m double dash x zero minus m dash x zero ka whole square. Copy call. ठीक है इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे अपने को एमएक्स टी दिया हुआ वन माइनस टी बाय फाइव टू दी पार माइनस वन एंड टी बोला है लेस देन फाइव है ठीक है इसको अपने को मीन और वेरियंस निकालना है तो एम डैश एक्स टी अपना क्या हो जाएगा बताओ एम डैश एक्स टी क्या होगा बताओ माइनस वन नीचे उतरेगा वन माइनस टी बाय फाइव के पावर में आएगा माइनस टू इंटू माइनस वन बाय फाइव ठीक है सो एम डैश एक्स जीरो इज हाउ मच अब टी के जगह पे जीरो डाल दो वन बाय फाइव आ रहा है क्या चेक करो तो एम डबल डैश एक्स टी निकालो कितना आ रहा है बताइए अगेन वन बाय फाइव तो है माइनस टू नीचे उतरेगा वन माइनस टी बाय फाइव टू दी पॉवर माइनस थ्री इन टू माइनस वन बाय फाइव यही होगा ना अगेन एम डबल डैश एक्स जीरो टू बाय ट्वेंटी फाइव एंड बी वॉट टू बाय ट्वेंटी फाइव माइनस वन बाय ट्वेंटी फाइव सो दिस इज वन बाय ट्वेंटी फाइव क्लियर हो गया डिफ्रेंसिएशन अप्रोच बोलो ठीक है नेक्स्ट पुट द हेडिंग कॉपी कर लीजिए इसको इसके बाद नेक्स्ट पुट द हेडिंग कैलकुलेटिंग मीन एंड वेरियंस कैलकुलेटिंग मीन एंड वेरियंस कैलकुलेटिंग मीन एंड वेरियंस यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन सर एक मिनट ऊपर कीजिए हाँ श्योर हम्म ये लो और ऊपर नहीं सर हो गया कॉपी सीरीज एक्सपेंशन टेबल बुक का पेज नंबर टू में देखो वन प्लस एक्स होल्ड टू दी पार पी इज वन प्लस पी एक्स प्लस पी पी माइनस वन एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस पी पी माइनस वन पी माइनस टू एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अप अपू इंफिनिटी अगेन सेम चीज आ रहा है यहां पर ये तो अपना आ गया ना अब जैसे आप एक चीज समझो मैंने आपको क्या बोला कि अपने को अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स देखना है तो अपने क्या करेंगे अपने को अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स देखना है तो अपने क्या करेंगे ऑफ टी एक्स स्क्वायर देखना है तो ऑफ टी स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल वही सीरीज एक्सपेंशन में अपने को करके सॉल्व करना है इसको पहले यहां तो कॉपी करिए ठीक है बेटा बोलो क्लियर है सबको यहां तक हुआ सबका आप लोग का आइए अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमएक्सटी अपने को दिया हुआ वन माइनस टी बाय फाइव टू दी पार माइनस वन टी इज लेस देन फाइव ये अपने को दिया हुआ ठीक है अब इसका सीरीज एक्सपेंशन करो एक्स यहां पर क्या है माइनस टी बाई फाइव पी क्या है जल्दी बताओ माइनस वन तो क्या हो जाएगा बताइए वन प्लस वन प्लस पी एक्स प्लस पी पी माइनस वन ऐसी होगा ना पी पी माइनस वन एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस पी पी माइनस वन पी माइनस टू एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉर्डर ऑफ टू इंफिनिटी तो क्या आएगा वन प्लस वन प्लस टी बाय फाइव प्लस टू टू तो कट जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाय ट्वेंटी फाइव प्लस तीन बार माइनस तीन बार माइनस छह बार माइनस मतलब प्लस सिक्स बाय थ्री फैक्टोरियल इन ठीक है प्लस डॉट 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 ऐसे जाएगा हा ओके अभी आप एक काम करो आप मेरे को जो जो मैं बोल रहा हूं आप निकाल के दिखाओ ठीक है आप मेरे लिए निकालो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आप मेरे लिए निकालो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आप मेरे लिए निकालो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब ठीक है, डॉट टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू दी पावर फाइव चलो मैं आपको मिनट का टाइम दे रहा हूँ पावर फाइव यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए ये और नो सर सिक्स और थ्री कर सकता ना। आपका इच्छा ठीक है

ऊपर वाला मतलब ये वाले का इसका है सबका आंसर ये वाला बोलो अब इस पे आते हैं सीरीज एक्सपेंशन वाले पे इसका आंसर क्या है बताओ तो देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो बहुत सिंपल है ये तो अपना वन आएगा वन बाय फाइव एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क् टू बाई ट्वेंटी फाइव इसलिए आएगा बिकॉज टी स्क्वायर का कोई फिशन नहीं देखना टी स्क्टोरियल का टी क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल तो यहां पर आंसर क्या आएगा और लास्ट वाले का आंसर क्या आ रहा है हाँ? ठीक है सबको क्लियर है ओके नाउ नेक्स्ट वील डू सम स्टैंडर्ड एमजीएफ हम्म एमएक्सटी को टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया फिर टी के जगह में जीरो पुट किया हाँ हाँ बट दूसरा अप्रोच आपको एग्जाम में अप्रोच मेंशन कर देगा कि सीरीज एक्सपेंशन से ही करना है ठीक है सबसे पहले हेडिंग लगाना बाइनोमियल ठीक है तो बाइनोमियल का मैं आपको पीडीएफ देता हूं एन सी एक्स पी टू पावर एक्स क्यू टू पावर एन माइनस एक्स एक्स रन फ्रॉम जीरो वन टू डॉट डॉट अप टू एन एक्सपेक्टेशन so ऑफ e टू दी एक्स क्या आएगा अपना बताइए समेशन एक्स रन्स फ्रॉम जीरो टू एन e टू दी एक्स ठीक है सॉल्व कर लो उसको अब आगे बढ़िए अब पार्ट टी e हो जाएगा अपने जो बाइनोमियल का जो एक्सपेंशन जो किए थे कॉपी कर लो पहले यहां तक का जो अपने जो किए थे ना वो था अभी क्या हो रहा है यहाँ से जब अपने यहां से यहां जा रहे हैं तो पी इज बी रिप्लेस बाय पी है ना तो अपना एक्सपेंशन क्या हो जाएगा p e टू दी पार टी प्लस क्यू होल टू दावर एन बिकॉज ये अपना क्या था दिस वॉज क्यू होल्ड टू दी पर एन याद करो बायनोमल का जो एक्सपेंशन किए थे अपन उसमें यही तो किए थे ना पीडीएफ के टाइम पे अपन यही किए थे कॉपी कर लो ठीक है अरे अपने जो उस समय जो किए थे वो अपने क्या किए थे अपने किए थे P प्लस क्यू होल टू क्या था एन सी जीरो पी टू दावर जीरो क्यू टू दी पावर एन माइनस जीरो प्लस एन सी वन पी टू दर वन क्यू टू पावर प्लस डॉट 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 प्लस एनसीएन पी टू दी पार एन क्यू टू यही तो था है कि नहीं हाँ ये बाइनोमियल का हो गया बाइनोमियल के लिए ये बाइनोमियल का हो गया टू दी पार टी प्लस क्यू होल टू the पार एन ये बाइनोमेल का हो गया ठीक है टेबल बुक निकालो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ देख के बताओ टेबल बुक निकालो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ देख के बताओ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एमएक्सटी क्या होता है बताओ एक्सपोनेंशियल म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर यही है ना तो अब मैं आपको एक एम एक्स टी देता हूं एक्सपोनेंशियल फाइव टी प्लस थ्री टी स्क्वायर और मान लेते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है तो मीन और वेरिएंस बताइए म्यू तो फाइव आएगा सिग्मा स्क्वायर क्या आएगा बताओ हाफ सिग्मा स्क्वायर थ्री है तो सिग्मा स्क्वायर क्या आएगा सिक्स हाफ सिग्मा स्क्वायर क्या है हाफ सिग्मा स्क्वायर थ्री है देख लो ठीक है कॉपी करिए ठीक है नेक्स्ट अभी अपने करेंगे कॉपी कर लीजिए इसको इसके बाद ट्राई करो सब लोग पॉइजन का सब लोग ट्राई करो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ट्राई करो ये वाला हुआ आप लोग सबका हाँ है ना इसका पीडीएफ क्या होता है e टू दी पावर माइनस लैमडा लैमडा टू दी पावर एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल एक्स रन्स फ्रॉम जीरो वन टू डॉटर अप टू इंफिनिटी सो एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू दी पावर टी एक्स इज समेशन एक्स रन्स फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी e टू दी पावर टी एक्स ई टू दी पावर माइनस लैमडा लैमडा टू दी पावर एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल पार माइनस लैमडा लैमडा ई टू दी होल्ड टू दिस इज इनस लैमडा कम्स आउट साइड समेन एक्स रन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी लैमडा ई टू दी होल्ड टू दर एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल अब इसका एक्सपैंशन करते हैं

कॉपी करो पहले यहाँ तक पहले यहाँ तक कॉपी करिए सब लोग फटाफट से कॉपी हुआ बेटा तो अब जैसे अपने पास में क्या आ रहा है ई टू पावर माइनस लैमडा तो बाहर है एंड ई e के पावर में क्या आ रहा है लैमडा ई टू दी तो क्या आएगा अपना आंसर ई टू पावर लैमडा बाहर ई टू दी माइनस वन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एम है बहुत बार म्यू देता है तो ई टू दी पावर म्यू ई टू दी माइनस वन ठीक है इज इट क्लियर बोलो हा नेक्स्ट डिस्क्रीट यूनिफॉर्म हाँ अरे आएगा एग्जाम में आगे पूरा काम में आएगा ये सब जो भी भी पढ़ा रहा हो ना आगे पूरा काम में आता है ये सब डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कॉपी हो गया क्या ये सब सो हाँ? डिस्क्रीट so, यूनिफॉर्म पे ध्यान दीजिएगा कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज वन बाय के एक्स है वन कॉमा टू कॉमा थ्री डॉट डॉट टू के So expectation of e to the power tx is summation x runs from 1 to k, 1 by k e to the power tx. So this is what? 1 by k is e to the power t plus e to the power 2t plus e to the power 3t plus dot 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 plus e to the power kt. So, इसका आंसर क्या आएगा वन बाई के एकदम पूरा बाहर आ गया अपना ए टू power टी है ना a ए ई टू power टी विल बी वॉट कुछ भी लिखो क्या फर्क पड़ता है ठीक है सो वन माइनस e टू द पावर वन माइनस r टू द पावर n n इज नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर k टर्म्स है बाय वन माइनस e टू द पावर t है ना बोलो हाँ या ना सो ई टू दी बाय के 1 minus e to the power kt by 1 minus e to the power t so t will be what not equal to 0 ठीक है यहां पर जो फॉर्मूला लगाया है ए वन माइनस आर टू दी पार एन बाय वन माइनस आर इफ आर इज वॉट लेस देन वन ठीक है ना आप करेंगे कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन गलत कॉपी हो गया सर, स्क्रोल अप प्लीज एक मिनट कौन सा वाला अंशिका चलो आप पीडीएफ दे रहे हो तुम लोग ट्राई करो कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में जो अपना एमएक्सटी जो है वो क्या आएगा जैसे मान लो u a to b अगर अपना है तो एम एक्स टी अपना क्या आएगा इंटीग्रेशन a to b टू e to the टू t x d x बाय b minus a हाँ वन बाय बी माइनस ए होगा ना पीडीएफ इसका वो डिस्क्रीट में होता है वो डिस्क्रीट में होता है डिफरेंस बाय लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस द डिफरेंस कहां पर? वहां पर तो दे दिया ना मैंने एच इज वन सो दिस इज वॉट बोलो ये हो जाएगा e टू दी पावर टी एक्स बाई टी तो दिस इज वॉट ई टू दी पावर बी टी माइनस ई टू पावर ए टी बाय टी बी माइनस ए इसके बाद में तुम लोग ट्राई करो गामा का एफ एक्स दे दे रहा हूं टू पावर एल्फा बाय गामा एल्फा एक्स टू पावर एल्फा माइनस वन ई टू पावर माइनस लैमडा एक्स तो एम एक्स टी क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो ई टू दी पावर एक्स लैमडा टू दी पावर एल्फा बाय गामा अल्फा एक्स टू दावर ठीक है ना बोलो अब इसको करने का एक तरीका है देखो लैमडा टू दावर अल्फा बाय गामा अल्फा तो आ जाएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है एक्स टू दी पावर अल्फा माइनस वन ई टू पावर माइनस सॉरी लैमडा पावर माइनस लैम्बडा माइनस टी एक्स क्योंकि देखो अभी क्या है ना माइनस के फॉर्म में करेंगे और जब इन्फिनिटी डालेंगे तो ई टू दि पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होगा बट ई टू दी पावर इन्फिनिटी इंफिनिटी होता है तो वहां पर अनडिफाइंड हो जाएगा इसीलिए तो माइनस के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे कभी भी ठीक है हमेशा यही चीज करेंगे हमेशा माइनस के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये सेम हो गया ना लैमडा इज बीइंग रिप्लेस बाय व्हाट लैमडा माइनस टी टू क्या होता है बताओ गामा एल्फा है ना बाय लैमडा टू दी पावर सॉरी तो लैमडा नहीं है लैमडा की जगह में क्या है तो क्या आ रहा है लैमडा बाय इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैमडा माइनस टी बाय लैमडा टू पावर माइनस अल्फा एंड वन माइनस टी बाय बायडा टू पावर माइनस अल्फा एक्सपोनेंशियल का हम कर नहीं रहे हैं बट एक्सपोनेंशियल का होगा क्या अल्फा इज वन सो वन माइनस टी बाय लैमडा टू पावर माइनस वन घर पे ट्राई कर लेना ठीक है बोलो समझ में आया यहां तक ठीक है बोलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पुट द हेडिंग क्यूमुलेंट सीयूएमय यू एल ए एन टी क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन सी जी एफ तो सीएसटी क्या हो जाएगा मैंने एमएक्स टी जो है ना उसमें बस लॉग लगा देंगे सो लॉग ऑफ एम एक्स टी सी एक्स टी लॉग ऑफ एमएक्स इज सी एक्स टी ठीक है तो अपना जो एम एक्स टी आ रहा है जैसे मान लो कोई भी एक चीज का P to the टू t टी प्लस क्यू होल टू power एन तो अपने को अगर इसका सीएक्स टी निकालना है तो क्या होगा एन एल एन पी टू दी पावर टी प्लस क्यू होल टू दावर सॉरी फ्लो फ्लो में बोल दिए सो एन सामने आ जाएगा एल एन टी टू दी प्लस क्यू ठीक है अब क्यूमुलट जेनेटिक फंक्शन क्यों निकालते हैं एक बार डिफ्रेंशिएट करके जीरो पुट करेगा तो मेन मिलेगा दो बार डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करेगा तो वेरियंस मिलेगा और तीन बार डिफरेंशिएट करके अगर जीरो पुट करेगा तो स्क्यूनेस मिलेगा ठीक है टॉपिक कर लो इसको फटाफट से लोग शिवांगी मैम का बेसिक वीडियोस देखना चालू किया उसमें रैंडम नंबर सिमुलेशन होगा पॉइजन प्रोसेस होगा वो वाला पूरा अच्छे से देखेगा उसमें मीन मीडियम मोड का बेसिक्स भी दिया हुआ है बेसिक प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है दिया, माने बेस बेस थ्योरम दिया होगा सब पूरा बढ़िया से उसको करना ठीक है वो यूट्यूब पे इसलिए डाला कि वो सारा तुम तो लोग को बार 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 देखना है उस सीरीज में भी हम लोग और वीडियोज ऐड किया है ठीक है ये वाला हुआ अब जैसे मान लो एक्स अगर फॉलो करता है गामा एल्फा कॉमा लैमडा ठीक है so, तो मेरा एमएक्स टी क्या हो जाएगा बताइए वन माइनस टी बाय लैमडा टू दी पावर माइनस अल्फा तो मेरा सी एक्स टी क्या हो जाएगा बताइए माइनस अल्फा एल एन वन माइनस टी बाय लैमडा आप निकालो c डैश एक्स टी सी डैश एक्स टी क्या आएगा माइनस अल्फा ऐसे ही आएगा इंटू वन बाय वन माइनस टी बाय बायडा लॉ एल एन एक्स वन बाय एक्स इंटू अब अंदर का करेंगे तो अंदर में क्या आएगा बताओ माइनस वन बाय लैमडा फिर आप करो सी डैश एक्स जीरो देखो क्या आता है बताइए क्या आएगा एल्फा बाय लैम्डा आएगा गामा का मीन तो यही होता है ना सिमिलरली अब निकालो अब तुम लोग मेरे को बताएगा सी डबल डैश एक्स जीरो क्या आ रहा है ठीक है एंड सी ट्रिपल डैश एक्स जीरो क्या आ रहा है चलो बताओ चेक करो तो यही आ रहा है क्या क्यूमुलेटिव में बेटा कुछ है ही नहीं सक्षम क्यूमुलेटिव में बेटा क्या बताया मैंने बताओ क्यूमुलेटिव में मैंने कुछ बताया थोड़ी है मैंने बोला सी एक्सटीएक्स मैंने जो एमएक्स होगा उसमें लॉग लगा देंगे लॉग का बेस में ही तो मेरा क्या बन जाएगा सी एक्स टी और तो कुछ मैंने बोला ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं अगर आप एमएसटी में लॉग लगाओगे तो सी एक्स टी बन जाएगा हो गया एम एक्स टी में लॉग लगाओगे तो सी एक्स टी बन जाएगा ठीक है और कुछ भी नहीं है लॉग लगाया अब यहां पर डायरेक्ट होगा एक बार डिफरेंशिएट करके जीरो पुट किया तो मीन दो बार डिफरेंशिएट करके जीरो पुट किया तो वेरिएंस, तीन बार डिफरेंशिएट करके जीरो पुट किया तो स्क्यूनेस सिंपल इज इट क्लियर हाँ अब एक और करो पॉइजन का हम लोग निकाले थे ना पॉइजन का एमएक्सटी क्या था जल्दी बताओ ई टू दी पर लैमडा e टू दी पर टी माइनस वन चेक करो तो यही था क्या पॉइजन का क्या चेक करना है बोलो पॉइजन का एमएक्सटी यही आ रहा है क्या सेम रिपीट करो मेरे को चाहिए सी डैश एक्सरो सी डबल डैश एक्सरो सी ट्रिपल डैश एक्स जीरो चलो पांच मिनट का टाइम दे रहा है चालू करो चालू करिए खुद से बनाएंगे तो ही होगा मैं हर चीज नहीं करके दूंगा स्पून फीडिंग बंद हो चुका है एक्चुअट में अब खुद से करेंगे तो दिमाग खुलेगा ठीक है चलो आओ क्या क्या आ रहा है बताइए सबका लैमडा आ रहा है ना ठीक है यहां तक सबको ठीक है प्लीज चैट बॉक्स पे लिखिए यस नो एवं मैं आपको वो बता देता हूं कि अपने कैसे कैसे कर रहे हैं आज का तारीख है नौ नौ दस है ना नौ अक्टूबर आज अपने कर रहे हैं जेनरेटिंग फंक्शन दस तारीख को अपने करेंगे जॉइंट ठीक है ग्यारह तारीख को अपने करेंगे कंडीशनल बारह तारीख को अपने करेंगे सीएलटी एंड सैंपलिंग सॉरी हा सीएलटी एंड सैंपलिंग ठीक है एंड थर्टींथ को अपने कर रहे हैं पॉइंट एस्टिमेशन एंड उसके बाद में थर्टींथ के बाद में हम ट्वेंटी फर्स्ट से आएगा ठीक है so सो उस समय भी आप लोग का सेम टाइम पे क्लास चलेगा पूरा चार से आठ उस समय का स्केड्यूल मैं पूरा दे दूंगा ठीक है अभी हम लोग का टारगेट अभी एकदम शॉर्ट शॉर्ट टारगेट बना के चलते हैं पॉइंट तुम का ड्यूटी ये रहेगा चौदह तारीख से लेके बीस तारीख तक बुकलेट वन टू और थ्री ये तीनों का सम्स बनाएगा, ठीक है? ये तीनों का सम्स बनाएगा कोई भी दिक्कत हो को तो रिकॉर्डेड में पूरा दिया हुआ सम्स अच्छे से पूरा देख के सम्स बनाएगा ठीक है ये वाला हो गया ना ठीक है अब इसके बाद में एक और टॉपिक इसमें बच रहा है अपना एक और टॉपिक अपना इसमें बच रहा है हेडिंग लगाना लीनियर फंक्शंस जैसे मान लो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स अगर दिया हुआ है सो एम वाई टी क्या होगा ये बताओ

ये हो गया e to the पावर 80 mx bt क्योंकि अभी डमी क्या हो गया ये दोनों डमी हो गया ना टी के जगह में क्या है टीबी ऐसे समझा करो एकदम इजी हो जाएगा अभी अगर इसका अपने को सी वाई टी निकालना है क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन तो क्या होगा एल एन एम वाई टी है ना तो क्या हो जाएगा ए टी प्लस सी एक्स बी टी एल एन एक्स बी एल एन एक्स बी टी हो जाएगा ना तो एल एन एक्स बी टी इज वॉट CXBT. तुम लोग अभी वाला जो अटेम्प्ट चौबीस वाला माने सितंबर चौबीस वाला का रिकॉर्डेड में जाएगा ना देखना सब में इंस्टीट्यूट का मैट का हर चैप्टर का पूरा इंस्टीट्यूट का मैट का सब सॉल्व किया हुआ ठीक है तो और एक ना क्लास डिस्क्रिप्शन का पूरा शीट दिया उसमें तुमको समझ में आ जाएगा कहां पर क्या है वो गूगल शीट को पूरा फॉलो कर लेना इसलिए वोला क्लास हटा नहीं रहे एक भी क्लास मिस मत करना चौदह तारीख से मोस्टली तुम लोग को ऑनलाइन क्लास भी चालू हो जाएगा ठीक है उसमें आर होगा और पेपर भी पेपर ए का डाउट्स होगा अगर अच्छे से करेगा ट्रस्ट में तेईस नवंबर को पूरा सिलेबस पूरा प्रॉपर खत्म हो जाएगा ठीक है ज्यादा कुछ बच नहीं रहे आपकी बार कर रहे हैं बुकलेट पहला बार जब आए थे तो बुकलेट वन अभी दो बुकलेट करा रहा हूं बुकलेट टू थ्री अभी इक्कीस से सत्ताईस में कराऊंगा बुक फोर फाइव एंड लास्ट में कराऊंगा बुक six, बहुत सिंपल है कुछ है ज़्यादा कुछ नहीं माता पोड़ी करने वाला चीज है नहीं ज्यादा अब एक जो इसमें जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है हो गया? इसमें जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है अब जैसे मान लो तुमको अल्फा दिया है थ्री और लैमडा दिया है वन बाय फोर ठीक है तो एक्स क्या फॉलो कर रहा है गामा थ्री कॉमा वन बाय फोर एंड गामा का एम एक्स टी क्या होता है वन माइनस टी बाय लैमडा टू पर माइनस अल्फा, विच इज वॉट वन माइनस फोर टी टू दी पावर माइनस थ्री अब ये लोग बोलते हैं अब तुमको तो समझ में आएगा जनरेटिंग फंक्शन का क्या यूज है टू यूजोंडेंस एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही जनरेटिंग फंक्शन हो सकता है और एक जनरेटिंग फंक्शन कोई एक ही डिस्ट्रीब्यूशन को करेस्पॉन्ड करेगा तो वाइज हाफ एक्स का मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है वो जनरेटिंग फंक्शन के मेथड से बनाएंगे देखो कैसे एम वाई टी इज वॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू दावर टी वाई बट वाई इज वॉट हाफ एक्स

could you please scroll up ठीक है कायवन वन लिखी है स्क्रोल अप, अब अब हंसिका दलाल लिख रही है स्क्रोल डाउन ओके हाँ? याद क्यों करना टेबल बुक में दिया है तो तुमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा भाई मेरे को जैसे याद हो गया है इतना यूज करेगा ना एमजीएफ का अभी नहीं समझ में आ रहा क्या यूज है अब जब आगे का चैप्टर्स करेगा ना जब नेक्स्ट आऊंगा ट्वेंटी तब तुमको समझेंगे सबका क्या यूज है जेनेटिव फंक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा ठीक है अब जैसे देखो टी इज बीइंग रिप्लेस बाय टी बाय टू सो एम बाई टी इज व्हाट? वन माइनस टू टी या फिर वन माइनस टी बाय हाफ टू दी पावर दिस इज इक्वल टू वॉट गामा डिस्ट्रीब्यूशन थ्री थ्री कॉमा हाफ हाँ या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन सिक्स बाई टू कॉमा हाफ या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं काम लोग को झूठ मन बोलना देखाई स्क्वायर वी सेम एज वॉट गामा वी बाई टू कॉमा हाफ तो थ्री को लिखा सिक्स बाई टू एक बात याद रखना गामा में अगर कभी भी वन माइनस टू टी है ना मतलब वो काई स्क्वायर का करिस्पॉन्डेंस है अरे गामा में कभी भी अगर ये आ गया वन माइनस टू, टू टी आ गया मतलब ये काई स्क्वायर भी तो है क्योंकि टू टी मतलब क्या टी बाय हाफ टू टी मतलब क्या टी बाय हाफ नहीं समझ आ रहा है वन माइनस टी बाय हो गया ना तो हाफ मतलब क्या गामाज स्क्वायर का सेम एस गामा कमा हाफ मतलब काई स्क्वायर में काई स्क् जब गामा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लैमडा हाफ है एंड टी बाई लैमडा है ना टी बाई लैमडा है तो लैमडा के जगह में हाफ है ना स्क्वायर वी सेम एज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स वी बाई टू कॉमा हाफ ये याद रखना पड़ेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब लोग अपना लिंक पे अकाउंट बना लेना धीरे धीरे के इन पे अकाउंट बनाओ अभी से थोड़ा अपडेट रहो हुआ बोलो डन ठीक है आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे अभी मैं बस सर से पूछ लेता हूं कि आप लोगों का क्लास है कि नहीं मेरे को दो मिनट का टाइम दीजिएगा